हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रैंक चेक करवा देता हूँ मेरी सोलो में। जैसे कि आपको पता है मेरी रैंक अभी 5000 चल रही है। सो लेट्स सी ये वाले मैच के बाद कितना बड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो कोशिश पूरी रहेगी कि एक चिकन डिनर करें, और अगर ना भी हो पाए चिकन डिनर तो ज़्यादा से ज़्यादा किल लेने की अपन कोशिश करेंगे। और सोलो में जो है अपनी जर्नी जो भी है रैंक पुश की, कितने दिनों में होता है, कब तक होता है, सारी की सारी मैं जो है आपको मतलब उसकी सीरीज ही चल रही है कुल मिला के देखा जाए तो। एंड ये भी देखेंगे यार कब तक जो है अपना रैंक पुश कंप्लीट हो पाता है सोलो में। अब यहाँ पे जो बंदे लेट कूदते हैं यार उनको तो सजा देना ऑब्वियसली, जो पहले कूद जाते हैं उनका काम है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले उस बंदे को निपटाया, और अब मेरी ध्यान थी यार उस मक्की वो जो मिल जाती है तो भाई उसके बाद जो है थोड़ा आदमी फियरलेसली खेल पाता है, तो वो मेरे को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है अब जो नेक्स्ट मूव मेरा रहता है, जब तक ये मक्की है या जब तक मेरे पास जो है वो सेकेंड दोबारा जिंदा होने की पावर है, तो तब तक जो है मैं सीधा रश करूँगा, फेयरलेसली खेलूँगा। एक बार अगर मक्की मेरे पास नहीं रहती है, मैं जो है किसी न किसी तरीके से कैंपर के आता हूँ जो है मारा जाता हूँ या कैसे भी मारा जाता हूँ, तो उसके बाद जो है सेकंड जो अपना स्टेप रहेगा वो रहेगा कि गाइस थोड़ा सा स्लो खेलने का। फिलहाल बंदा मेरे सामने, भाई वो बंदा किसी और की तरफ ही देख रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे जितना हो सके गाइस जल्दी से किल बटोर लेते हैं। शुरुआत में किल बटोरना थोड़ा आसान होता है क्योंकि सामने वालों के पास भी मक्खी रहती है, तो वो क्या करते हैं सीधा पुश करते हैं आपके ऊपर। और ऐसे में जो है अगर आप स्टार्टिंग में किल बटोर लेते हो तो केडी तो प्लस होता होता है, प्लस जो आपका रैंक है रेटिंग है वो भी ज़्यादा मिलती है आपको। अब यहाँ पे मेरे को उस बंदा दिखा, उससे पहले कि उसको मैं मार दूँ एक और बंदे की आवाज़ आती है। अब नेट देखना गाइस, जरा पहला नेट जो है मैं किसी तरीके से मिस कर जाता हूँ, लेकिन सोलो जो है वो नेट्स का गेम भी है, तो यहाँ पे दूसरा नेट चेक करो। और यहाँ पे जो है ये वाला बंदा जो है इसी के साथ फिनिश हो जाता है। अब फिनिश जैसे हुआ ना उसका, वो भी नेट ही फेंक रहा था मेरे मालूम आपको, तो उससे पहले कि कोई दूसरा आप पे नेट फेंके आप ट्राई करो कि उसके ऊपर उससे पहले नेट फेंकने का, जिससे आप बेनिफिट में रहोगे। अब यहाँ पर मैं जैसे आया तो अगेन सामने बंदा है, लेकिन उसने नेड कुक करने की आवाज़ सुन ली थी तो वो तो चेंज कर गया लोकेशन अपनी पोजीशन। लेकिन भाई मौली से कैसे बचोगे, इतने छोटे घर में ना मौली से बचना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि मौली जब गिरती है और उसके बाद जो है एकदम फैलती है ना पूरे घर में, और घर अगर छोटा रहे तो यार दिक्कत हो जाती है। अब फिलहाल एक बंदा और दिखा, और भाई इसको भी क्या ही निपटाया। अब मेरा जो लक्ष्य रहेगा वो पता क्या रहेगा, जो ट्रिपल स्टोरी है उस तरफ फाइट चल रही तगड़ी वाली, अगर मैं उनको निपटा पाता हूँ ना तो ऑलमोस्ट पोचिंग की जो है क्लियर कर पाऊँगा मैं, क्योंकि अभी जिस जगह पे मैं हूँ ना यहाँ पे दो बंदों की फाइट चल रही है। उन्होंने जो है वो एक फ्लेयर ड्रॉप मंगवा रखा है, ठीक है। और ये देखो एक बंदा ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे जंप एंड पंच करके आया हूँ तो इस बंदे को नहीं मालूम जो कि मेरे बिल्कुल सामने है, और एक ट्रिपल स्टोरी में है उसको भी नहीं मालूम। अब ये जो सामने खिड़की पर बंदा देख रहे हो ना, मैं वेट कर रहा था कि इसका एंगल मिले, और मेरे पे नेट तो है नहीं तो अब मैं वेट ही कर सकता हूँ यहाँ पे। अब एक पल के लिए, ख्याल आता है कि गाइज मैं जो है सामने वाले बंदे के ऊपर पुश कर जाऊं जो कि मेरे बिल्कुल सामने है, बट ये सही नहीं होगा गाइज क्योंकि उसके पास एडवांटेज है। तो मैंने सोचा यार दूसरे तरीके से जो है इस बंदे को निपटाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और अब देखो फाइनली अब मेरे को पुश करना ही पड़ेगा गाइज, क्योंकि यहाँ पर अगर रुका रहता हूँ तो मेरे लिए ही जो है घाटा साबित होगा। सो मैं वहाँ से जो है पीछे आता हूँ सबसे पहले इस घर से, मैंने सोचा कि शायद मेरे को एंगल मिल जाए। अब एंगल तो नहीं लेकिन नेट जरूर मिल गया गाइस मेरे को यहाँ पे, और अब देखो एंगल भी मिलेगा। चलो ये बंदे को निपटाने के बाद ट्रिपल स्टोरी में गाइस एक और बंदा है, और उसको किस प्रकार से निपटाते हैं वो भी देखो। अच्छा उसने भी नेट फेंका था लेकिन उसका नेट पता नहीं गलत कैसे चला गया। अब एक और बंदा आता है, बस आप देखते जाओ गाइस कैसे गिराते सबको एक एक करके, इसीलिए मैं क्लोज के लिए जो है उजी रखता हूँ कभी कभी, जो कि ऐसी जगहों पे भी काम आ जाती है। सो इस बंदे को भी इजीली निपटाया। अब गाइस यहाँ पे ना आप जब बहुत ज़्यादा किल करने बैठ जाओगे ना तो थोड़ी लोगों की नज़र जो है आप पे रह जाती है, अब उनको पता है कि यार वहाँ पे लगातार फाइट चल रही है और किल फीड सब देखते हो ओबियसली। अब एक बंदे ने पता चल गया था कि यहाँ पे जो है कोई तो है। अब वो बंदा कहाँ पे है इतना मेरे को नहीं मालूम था, ठीक है इतना मेरे को मालूम चल गया था कि कोई तो है यहाँ पे। सो मैंने सोचा एक काम करते हैं,
उससे पहले कि मैं कुछ भी सोच पाता यार, पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि सड़क पार बंदा होगा, लेकिन वो कहाँ से निकला। वैसे सड़क पार भी एक बंदा था, उसको मारने के लिए जा रहा था मैं। उसके बाद यहाँ कूदा तो यार ये बेचारा मिला मेरे को, इसने अभी अभी एक बंदे को निपटाया था तो मैंने इसको निपटा दिया। सो बुरा लगा इस बंदे के लिए, लेकिन अब बदला लेना तो है गाइस। तो मैं चाहता हूँ पहुँचूँ कि वापस, अब उसने मेरे को कैंप करके मारा था, तो अब देखो बदला कैसे लेते हैं। मैं भी यहाँ पे कैंप करने लगा, अब ऐसे तो मिलेगा नहीं मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास उजी थी तो उजी से मैं ना टैप टैप करने बैठ जाता हूँ। अच्छा वो बंदा भी टैप टैप कर रहा था, उसको भी मालूम था कि कोई तो आ गया, क्योंकि मैं गाड़ी से आया था ना यहाँ पे। अब फाइनली ना वो बंदा थोड़ा उसका सब्र का जो बांध वो टूट जाता है और ओपन में आने की वो कोशिश करता है, लेकिन वो बड़े संभल संभल के आ रहा था और उसी घर में जा रहा था जिस घर से इस बंदे ने मेरे को निपटाया था। बट दूसरी बार मैंने इसे जाने नहीं दिया वहाँ पे। तो इसके साथ जो है बदला भी पूरा होता है गाइस, और इसी बात पे जो है लाइक कर देना अगर आप अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हो। अब इस बंदे को देखो कैसे निपटाते हैं। अच्छा ड्रॉप पे बहुत लोग आते हैं, तो इसीलिए ड्रॉप पे आया था मैं, और जैसे कि मैंने सोचा ही था कोई ना कोई तो होगा ही। अच्छा मैं इससे पहले आ गया था, ये मेरी थोड़ी सी खुशकिस्मती है, क्योंकि अगर मैं ये अगर 10 सेकंड भी पहले होता ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ड्रॉप पे रुक जाता है, और उसके बाद बंदे का स्प्रे अगर अच्छा रहता तो बग्गी से आराम से निकाल देते हैं, बग्गी के तो टायर वायर भी फोड़ देते हैं लोग। उसके बाद मैं ना झोरी पुल वाले इन घरों पर आता हूँ। अब यहाँ से तुम्हारे भाई को इतने ज़्यादा किल मिलते हैं, जैसे देखो ज़रा, मैंने वहाँ पे गाड़ी वाले को तो मार दिया था गाइस, लेकिन बग्गी वाला जो है गायब हो जाता है। तो मैंने एक चीज़ तो नोटिस कर ली कि ये घर काफ़ी बढ़िया है, अभी जोन भी कुछ उस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पे बंदे भी आए जा रहे हैं, आप देख सकते हो सामने भी। अच्छा घर वाले को मैंने मार दिया था और बग्गी वाले को डैमेज कर दिया है, लेकिन जो बग्गी वाला था उसको लगा घर वाला जिंदा है, वो घर वाले के ऊपर रश कर रहा था ना, वो जो सामने एक शैक के अंदर बंदा था, तो उसको तो मैंने मार दिया था और बग्गी वाले को भी ऑलमोस्ट डैमेज कर दिया। अब इतना मेरे को पता था कि बग्गी वाला जो है वो कवर में जरूर जाने की कोशिश करेगा, एक बार तो एक बार जाएगा। और गया तो, लेकिन यार मैं वहाँ पर अपना स्प्रे चूक गया। पोजीशन बहुत बढ़िया थी, तो यहाँ पे ना मेरे को बस अब अपना जो पोजीशन था उसको होल्ड रखना था, और बंदे बहुत सारे थे यहाँ पे गाइस, आसपास बहुत सारे बंदे थे। अच्छा सोलो में ऐसा ही होता है, जैसे जैसे ऊपर ऊपर लीक बढ़ती जाएगी ना, तो बस बंदे आपके आसपास ही रहेंगे, बस होगा ऐसा कि आप मार नहीं पाओगे। अब यहाँ पे भाई क्या ही बचा वो बंदा, और उसको बट किसी और ने निपटा दिया, तो मेरा डैमेज और मेरे को कूल मिला गया। अच्छा इसमें असिस्ट का भी सीन होना चाहिए वैसे, पता अब पता नहीं शायद सोलो में असिस्ट मिलते हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ पे मेरा असिस्ट जरूर था यार उस बंदे के ऊपर। अब मैं टायर वायर फोड़ देता हूँ, मेरे को पता था वो बग्गी कोई ना कोई तो यूज़ करेगा ही। अब टायर फोड़ दे तो गाइस, अब एक चीज़ का के लिए मैं श्योर हूँ कि वो बंदा जोन के अंदर तो नहीं आ पाएगा, आएगा तो उसको ओपन में ही आना पड़ेगा, और ओपन में आएगा तो भाई मेरे लिए जो है सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ओपन में आएगा तो इजीली मैं उसको निपटा पाऊंगा। हालांकि उस बंदे के पास स्नाइपर है तो बच के रहना पड़ेगा मेरे को, बहुत ज़्यादा पीक दे रहा हूँ मैं उसको, रिस्क ले रहा हूँ, बट चलता है, इतना रिस्क लोगे तभी तो किल मिलेंगे। अब मैं ना ओपन में आने की वेट करता हूँ, और जैसे आया वैसे निपटा दिया इस बंदे को। अच्छा इसको निपटाने के बाद ना अब पीछे की साइड से फायर आया था, और मैं देखता हूँ ओपन में एक बंदा लेटा हुआ पेड़ के पास। अच्छा उसको लगी तो अच्छी खासी बुलेट थी, बट होता है जितना बंदा दूर रहेगा ना बुलेट का डैमेज कम हो जाता है। अब वो बंदा कहाँ जाके लेटा देखो, और फाइनली निपटा दिया। उस बंदे की मजबूरी थी पता, वो उस एंगल पे था कि उसको कोई और मार देता अगर वो उधर नहीं रहता तो। अच्छा अब जोन में भी तो जाना था, तो मैं जोन के बाहर था, तो मैंने बग्गी उठाई
और ऊपर मैंने देख लिया था कि कोई है नहीं उस जगह पे, तो इस जगह पे मैं आ जाता बग्गी लेके अपनी। और पहाड़ पे तो आपको बथेरी जगह मिल जाती है, मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे एंगल ही एंगल है, तो कहीं पे भी अपनी बग्गी किसी भी आप गहराई के अंदर छुपा सकते हो। अच्छा मेरे पे स्प्रे हुआ क्योंकि ओपन पहाड़ तो ओपन ही है, अब कहीं ना कहीं से तो दिख ही जाएगा भाई, तो वैसे ही होता है। बग्गी मैंने थोड़ी सैंपल से जगह पर रोक दिया, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं थोड़ा क्लोज आते हैं, पता लगाते हैं फायर हुआ कहाँ से। और यहाँ पे आते ही जैसे बंदे की आवाज़ आई, गाड़ी मैंने साइड में लगाई और बंदे को ठोक दिया। अब एक और था, एक दूर से भी मार रहा था, बट दूर वाला तो दिखा नहीं, तो मैंने जो है सबसे पहले इसकी लूट ले ली। और अब यहाँ पे जो है चिकन डिनर की क्लोज गाइस, और बहुत तगड़ा वाला प्लस मिलने वाला अगर चिकन डिनर यहाँ पे हो जाता ना, मतलब अगर आपका नॉर्मली जो है 30 प्लस होगा ना, तो चिकन डिनर के साथ आप लगा लो 5 से 7 प्लस और मिल जाता है, एक्स्ट्रा ही मिलेगा। सो कोशिश यही रहती है कि अपन जितना हो सके हार्ड ट्राई करें। और लॉबी जैसे जैसे मुश्किल होती जाएगी ना, तो लोंडे देखो कितना छोटा सर्कल, अभी उतना भी मतलब हार्ड लॉबी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे ना इससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लॉबी आ जाएगी। इतने से सर्कल में भी मतलब 20-20 बंदे जिंदा रहेंगे, और वो वाली लॉबी खेलने में मज़ा आएगा। अब शायद 2 बंदे जिंदा, जिसमें ये बंदा बेचारा पहाड़ चढ़ रहा था, वो भी खड़ी चोटी। अब आखिरी बंदा बचा है गाइस, उसको थोड़ा ढूंढने में दिक्कत हो जाती है मेरे को, क्योंकि आखिरी बंदे को पता था मैं कहाँ पे हूँ, तो अकॉर्डिंग टू जैसे मैं बग्गी में घूम रहा था उस हिसाब से अपनी लोकेशन चेंजेस कर रहा था, और बस वो वेट कर रहा था कि कब मैं उसके रडार पे आऊँ। लेकिन सडनली मेरे को वो दिख जाता है, अब देखो जरा क्या होता है। सडनली दिखा और भाई सडनली उसके हेड पेल दिए मैंने, और वैसे वो लेटा हुआ था पता, अगर मैं पहाड़ी के ऊपर आता और उसको देखता नहीं ना, एक स्प्रे में ख़त्म कर देता वो मेरे को। यार यही था गाइस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सोलो पुश कर रहा हूँ मैं, और अगले कुछ दिनों में जो है टॉप 500 आने की ट्राई करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई कर सकते अपन। तो मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।